शहर के बाहरी इलाके बालापुर और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में एक रॉडी शीटर जिसका नाम फरहान है उस पर चंद अफराद जुल्म कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक रॉडी शीटर फरहान का कहना है कि ये गलत कामों को छोड़कर अपनी सीधी साधी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको परेशान करके इनके ऊपर झूठे केसेस बुक किए जा रहे हैं। इन्होंने रजाकुंडा पुलिस के आला ओहदेदारों से गुजारिश की है कि इनकी मदद करें और ऐसे शर पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें और इनके खिलाफ झूठे केसेस दर्ज करने पर सही से तहकीकात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मैं वादी मुस्तफ़ा में रहता हूँ, शाही नगर। कुछ 6-7 महीनों से जो है ना, मेरे नाम का कमलेना बालापुर पीएस और पहाड़ी पीएस में 6-7 महीनों से कुछ ज़्यादा लोग जाके जो है ना कंप्लेंट ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं लैंड के इशू में, और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फरहान रॉडी शीटर मेरी छोटे मोटे केसों में जो है ना मेरी शीट ओपन करे बालापुर पीएस लिमिट से। मैं कोई ख़ानदानी रॉडी शीटर नहीं हूँ। मेरे को लैंड के इशू में जो है सो मुलविस कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो पीएस में जाके फरहान है साहब उसके पीछे ऐसा वैसा वो ये हो रहे हैं। रिसेंटली 4 एफआईआर हो गए मेरे पर लैंड के इश्यूज में, जिसके अंदर मैं हुई नहीं, उसका मेरे को मतलब मैटर मतलब नहीं मालूम नहीं। और मैं एक रॉडी शीटर हूँ बोल के जो है ना मेरे को लैंड के इश्यूज में जो है ना मेरा नाम ले रहे हैं। और जो है सो उन लोग के नाम तो नहीं लेता हूँ मैं, कोई भी ले रहे हैं। बाद में फिर इंक्वायरी हो रही तो इसमें ये मालूम हो रहा कि फरहान नहीं है भाई ये, तो मैं पुलिस वालों से अदबन ये गुजारिश कर रहा हूँ, स्पेशली बालापुर पीएस और पहाड़ी शरीफ पीएस, आप मेरे नाम पे कुछ भी अगर कोई कंप्लेंट भी आया तो आप मेरे को बुला के पूछो इसके अंदर मैं हूँ नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं। लैंड के केसेस बोल रहे हैं, आज तक मेरे नाम पे एक लैंड का केस नहीं है, ना तो कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे जो सो लैंड ग्राबर मैं कोई ऐसा नहीं हूँ। ये लोग जो है सो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि फरहान का नाम लियो और फरहान है साहब इसके पीछे लैंड के मसलों में जो है ना मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि मैं कब्ज़ा कर लिया, फरहान है पीछे, फरहान फरहान फरहान। ये जो है ना लोग मेरे नाम का ट्रेंड लेके जो है सो एक पुलिस के माइंड में एक ऐसा बिठा दिए कि मैं एक बहुत बड़ा लैंड ग्राबर हूँ, लैंड के इशूज़ में जो है ना मेरा सबसे अहम रोल रहता, अहम आदम है। ऐसा कोई ख़ानदानी रॉडी शीटर नहीं हूँ, छोटे मोटे मसलों में मेरी रॉडी शीट ओपन कर दिए। उस थोड़े दिन पहले एक मीडिया में लगाया मैं दो घर लैंड कब्जा कर लिया वो ये बोल के मेरा नाम रॉडी शीटर फरहान बोल के पहाड़ी शरीफ में रिसेंटली दो एफआईआर कर दे के मीडिया में लगा दिए। वो लैंड मेरे को मालूम नहीं कहाँ है उसका क्या है, मेरे को मतलब नहीं है, घर में सो रहा हूँ, केस बुक हो गया मेरे पर। फिर बाद में जो है सो जाके पुलिस वाले भी इंक्वायरी करके मैं गया नहीं गया देखे करे उसके बाद क्या है, तो पेंडिंग है केस। हो इसलिए क्या हो जा रहा बोले तो ये मेरे पर जो है ना नाजायज मेरा नाम लेके केस करके एफआईआर लोग जो है सो एफआईआर होना, फरहान को पीडीआर लगना, वो करना ये करना बोल के जो है सो लोगों की कोशिश है। मैं सुकून से जो है सो रह रहा हूँ, मैं मेरी जगह पे रह रहा हूँ। 6-7 महीने से मैं काटेदान पे हूँ, वहाँ पे जो है ना चप्पल का कारखाना का मशीनों का जो सो मेरा वो कारोबार में जो है ना वो लग रहा हूँ, प्लास्टिक के कारखाने के उसके अंदर मैं वहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ भी नहीं। जो मेरा नाम जो है ना पीएसओ में जाके जो सो लेके गैर ज़रूरी एक रॉडी शीटर बोले तो एफआईआर जल्दी होता बोल के जो है ना लोग मेरा नाम जो है सो यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और मैं गुजारिश करता हूँ सीपी साहब से, महेश भगवत आईपीएस रचाकुंडा कमिश्नर, और जॉइंट सीपी सुधीर बाबू साहब से, और डीसीपी एलवी नगर संप्रीत सिंह सर से, और एसीपी वनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम रेड्डी साहब से, एसीपी एसबी जावेद साहब से, और हमारे बालापुर के एसएचओ भास्कर साहब से, और पहाड़ी के एसएचओ वेंकटेश्वर लल्लू साहब से जो है ना मैं अपील करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि साहब मेरे पर जो भी जो है सो कंप्लेंट दे रहे हैं, जो मेरे पर जो है ना फरहान रॉडी शीटर बोल के मेरा नाम इस्तेमाल करके एफआईआर कराने के वास्ते जो जो भी मेरा नाम ले रहे हैं इसके पीछे फरहान है वो, तो आप कंप्लेंट लेके साहब मेरी एक बार इंक्वायरी करो मैं हूँ नहीं हूँ, उसके बाद जो है ना साहब मेरे पर एफआईआर करो। अगर मैं उसके अंदर बराबर हूँ तो जो सो मैं जो भी है वो मैं भुगतने के वास्ते तैयार हूँ, पर गैर ज़रूरी मेरे नाम पर जो है ना वो बुला के डरा बोल के कल पहाड़ी में एफआईआर होगा। खैर मैं बुला आने डरा आने वो अलग मैटर है, अब तक जो हो गया। अब आइंदा से साहब अगर कोई भी अगर मेरे नाम पे फरहान है साहब उसके पीछे फरहान कर रहे हैं तो मैं कोई लैंड का काम नहीं कर रहा हूँ,
मैं पीसफुल घर में रह रहा हूँ। हमारे भास्कर साहब बालापुर इंस्पेक्टर जब से ये एरिया में आए, तकरीबन लैंड ग्रैबिंग जो जो भी लैंड ग्रैबर्स है वो है ये है, पूरों को अच्छा कंट्रोल करके रखे हुए है साहब। साहब का नाम सुनते कि जो है ना पूरों काँप रहे थर थर। और वेंकटेश्वर लू साहब जब से एरिया में चार्ज लिए पूरा पीसफुल है, पुलिस अच्छी है, पुलिस को मिसगाइड करने वाले लोग हैं ये रॉडी सीटर बोल के मेरे को बदनाम करें और कुछ भी नहीं साहब। मेरी जो है सो अदबन गुजारिश है कि मेरे नाम पे कोई कंप्लेंट आया तो पहले इंक्वायरी करो, उसके बाद जो है सो मेरे को बुलाओ, पीएस को मैं आता हूँ तेरे नाम पे कंप्लेंट आया बोल के बुलाओ, मेरी इंक्वायरी करो, अगर मैं हूँ तो वो केस में मेरे को मुलव्वज़ करो। मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सब छोड़ दिए, मैं जो है ना कुछ जा रहा हूँ नहीं, मैं सीधा सीधा कांटेदार में सुकून का काम कर ले रहा हूँ मेरा कारखाने का, मेरे को पीसफुल रहना नहीं दे रहे साहब। कुछ लोग हैं मेरे को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस के माइंड में ये डाल दिए कि फरहान एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है। मैं आज से किसी की लैंड कब्जा नहीं करा, मेरे को मतलब नहीं, एक लैंड का केस नहीं है मेरा, मेरा ज़बरदस्ती जो है ना मेरे को लैंडों के केसों में जो है मुलविस कर रहे हैं साहब। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये अपील सुनो। अभी तक रिसेंटली 4 महीने में 3 महीने में 4 FIR हो गए, एक यहाँ पे घर कब्जा करा बोल के वो हो गया, खैर वो तो मैं वो सेलिट करा वो उसका तो, और फिर जो है ना और क्या बोलते पहाड़ी में दो हुए, पहाड़ी में दो हुए क्या बोल के हुए, घर में शोरूम में केसबुक हो गया, फरहान आके लॉक तोड़ के लोगों को घुसा दिए, कब्जा कर दिए और क्या बोलते डराए धमकाए स्पॉट पे गए डराए, जबकि मेरे को मालूम भी नहीं मैं घर में सो रहा हूँ मेरे ऊपर कैसा मुख हो गए। बालापुर में कितने हुए? बालापुर में अब रिसेंटली एक हुआ बोल के मालूम हुआ, मेरा नाम A4 है उसके अंदर, वो देख के मैं जो है ना मेरे को मालूम नहीं था तो वो सेलिट कराया मैं वो प्रॉपर्टी में सेलिट कराया, फिर वो बेल के वास्ते। ये आपके साथ कितने दिनों से हो रहा है? ये पहले नहीं होता था ऐसा, 6 महीने से हो रहा, 6 महीने से हो रहा हरासमेंट हो रहा लोगों का। आप ही के साथ क्यों हो रहा है सही? अब वो थोड़े लोग हैं जो मेरे से जेलस फील करते, लास्ट टाइम नाम नहीं बोल सकते, नहीं हाँ उन लोग है वो जो आप पे कम कर नहीं नहीं अभी तो देखो अब तक तो लोग बहुत लोग गए जो जो भी कंप्लेंट करे, मैं लोगों को पहचान तो भी नहीं वो लोगों को, बालापुर में किंगकोटी में रहते कहते वो लोगों को मैं आज तक मिला नहीं, पहचान तो नहीं मालूम नहीं, वो घर के लपड़े में जो सो मेरा नाम डाल दिए ये फरहान जो है ना कब्जा कर लिए बोल के, अब वो FIR हो गया, FIR हो गया तो मेरे भाया पूरे हमला पूरे मिल गए, वो घर रिसेंटली खरीदे सेलिट कराए ऐसा हो। अब परेशान करने की वजह कोई सियासी तो नहीं है, अब लास्ट टाइम जो सो मेरे दोस्त का मर्डर हो गया मेरे साथ में रहता बोल के मैं हूँ समझ के उसको मार दिए, एक थोड़े लोग हैं लगे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं मेरी सुकून की ज़िंदगी गुजार लेना चाह रहा हूँ, अब नाम आ लेके चुप दुश्मनियाँ कहीं को मैं सब ख़त्म कर लेना चाह रहा हूँ, किसी का नाम मैं लेता हूँ नहीं, कोई जो है ना मेरे को दुश्मनी किसी से नहीं है, बस मेरी जगह मैं सुकून से रहना चाह रहा हूँ, मेरे को रहने दो, अगर रहना ऐसा करेंगे तो फिर जो है ना मैं कानून की मदद लेके मेरे को क्या